रुकिए बहन जी, आप मंदिर में नहीं जा सकती हैं। अरे क्यों पंडित जी, मैं मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? बहन जी देखिए, आपके वस्त्र उचित नहीं है मंदिर में जाने के लिए। पंडित जी इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? देखिए बहन जी, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये आपके वस्त्र उचित नहीं है मंदिर में जाने के लिए। मंदिर की भी एक मर्यादा होती है, कृपया करके उसका उल्लंघन मत कीजिए। देखिए पंडित जी, मुझे मत बताइए कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं, और आप जैसे लोगों की वजह से ही ना अंधविश्वास फैल रहा है दुनिया में। और मैं मंदिर आई हूँ, मैं मंदिर दर्शन करके ही जाऊंगी। बहन जी हाथ जुड़वा लीजिए मुझसे, कृपया करके आप सूट या साड़ी पहनाइए, खूब दर्शन कीजिए ना, लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकती। हेलो। हाँ भाई बोल, क्या है? अरे इतने गुस्से में क्यों, क्या हुआ? यार गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ, ये मंदिर का पंडित अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मैंने इतनी अच्छी खासी स्कर्ट पहन रखी है और कह रहा है कि आप मंदिर में अंदर नहीं जा सकते। अब ये मुझे बताएगा तो मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? अच्छा चल, तो अपना मूड खराब मत कर, कहीं बाहर घूम के आते हैं, तेरा मूड ठीक करते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं घूमने। अरे तू छोड़ ना यार, एक काम कर, मॉल के बाहर में मूवी देख के आते हैं। ठीक है मैं आ रही। अरे भाई कहाँ है तू? तेरे पीछे खड़ा हूँ देख। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कहीं तू। पागल पागल हो गया क्या? ये क्या पहन के है? क्यों, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? यार हम मॉल जा रहे हैं ना, तो ऐसे कपड़ों में जाएंगे? तुझे ना मॉल में कोई घुसने भी नहीं देगा, मूवी कहाँ से देखेगा? क्यों नहीं मिलेगी एंट्री? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कपड़े पहनूं यार। अब वो लोग सिखाएंगे मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तुझे नहीं पता कि मॉल में ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं? अरे हर जगह का अपना एक ड्रेस कोड होता है, तू ऑफिस जाता है तब तू फॉर्मल्स पहन के जाता है, ये धोती और कुर्ता तो नहीं पहन के जाता ना। मैं भी तुझे यही समझाना चाहता हूँ कि हर जगह का ना अपना एक ड्रेस कोड होता है। तुझे पता है जब तू मंदिर से आई ना, मैं गया था पंडित जी के पास, और पंडित जी ने तुझसे क्या गलत कहा? उनने यही तो कहा हाथ जोड़ के कि बस मंदिर की एक मर्यादा है, सूट या साड़ी पहन के आओ, किसी दूसरे धर्म स्थल पे अगर तू ये कपड़े पहन के जाएगी तो तुझे अंदर घुसने भी नहीं देंगे। हमारे सनातन धर्म का मजाक हम लोगों ने बना रखा है, हमें क्यों शर्माती है अपनी परंपराओं, हमारी आस्थाओं को फॉलो करने में? मैं समझ नहीं पाता, जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम हर चीज में लॉजिक ढूंढने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं। अगर तू ध्यान से सोचे और समझे ना तो हमारे धर्म में हर चीज का एक लॉजिक है, पर नहीं, हमें तो हमारे धर्म का मजाक बनाना है, हमारी आस्थाओं का मजाक बनाना है, हमें ही अपनी संस्कृति और संस्कारों से शर्म आती है, हम इन चीजों को फॉलो नहीं करना चाहते, जबकि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने में तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को और अपनी परंपराओं को फॉलो करना चाहिए, ना कि उनका मजाक बनाना चाहिए। सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे, अब मुझे समझ में आया कि पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू मुझे इस तरह से समझाने के लिए, और आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि मैं ना अपनी संस्कृति को भूलूं ना अपने संस्कारों को। चल मुझे खुशी हुई तुझे समझ आया, अब एक काम करते हैं, पहले चेंज करते हैं, मंदिर चलते हैं, फिर मूवी चलेंगे। कभी भी दूसरों की संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति में बदलाव ना करें।